सो जो नेक्स्ट फाइलम में भी हम लोग पढ़ने वाले, उसका नाम है मलयूसका। तो मैं भी एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, आप लोग गेस करना कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सो इट इज बेसिकली एन ऑक्टोपस। मैंने उसको स्माइल बना दिया, बट एक्चुअल में उसे स्माइल नहीं करते, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनिज्म दैट आई हैव मेड ओवर हियर इज ऑक्टोपस। सो ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मलयूसका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। सो विल टॉक अबाउट देयर बॉडी फर्स्ट। सो इनकी जो बॉडी होती है ना, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है देयर बॉडी बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, देन दे आर सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब क्या है कि इनका जो एक्टोडर्म होता है और मीजोडर्म होता है, उसके बीच में कैविटी होती है। कैविटी मतलब खाली जगह होती है। देन दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर नहीं देखे तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये कैसा सेटअप होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो साथ में आके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को जो है सर्कुलेट करना पूरे बॉडी में। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। सो दिस ऑल थिंग्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। तो जब बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक काम को अंजाम देते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दे शो बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, अगर आप ये लोग को कट करोगे तो दो इक्वल हाफ हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी। अनसेगमेंटेड मतलब इनके बॉडी पे कोई भी सेगमेंट नहीं होगा। तो आप जैसे देख सकते हो उसमें तो कहीं पर भी कोई भी सेगमेंट नहीं है। से अर्थवॉर्म पे हम लोग ने देखा था कि उसके बॉडी पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, बट इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब क्या है, मतलब दी ब्लड इज नॉट इनक्लोज इन साइड सम ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं फ्लो करता है। सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम लोग वो लोग की एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें कि वो लोग अपना वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे निकालते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो चीज आती है, जैसे टू सैक लाइक किडनी। सैक मतलब गोनी। तो दो किडनीज होती है जो सैक की तरह दिखती है, एंड दे हैव ऑल्सो गिल्स। तो गिल्स का फंक्शन क्या है, जो भी वेस्ट होता है वो उसको बाहर निकाल देता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की, सो दे हैव नर्वस सिस्टम। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है गैंग्लियन, गैंग्लियन, और दूसरा जो होता है लैटिस नर्व। तो इनके नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं होता है, दे हैव गैंग्लियन एंड नर्व्स। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कुछ अच्छा कलर ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली दे आर डाइशियस। डाइशियस मतलब क्या, मैं भूल गया। सो डाइशियस, डाइशियस का मतलब दे हैव टू सेक्सेस, दे हैव सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल। तो जब दोनों सेक्सेस अलग अलग होता है तो उसको डाइशियस बोलते हैं। अगर सेम ऑर्गेनिज्म में होगा तो अर्थवर्म की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे, याद आया कुछ, मोनोइशियस। ओके, देन दे आर ओवीपरस। ओवीपरस का मतलब क्या होता है, ओवीपरस का मतलब होता है एग लेइंग, दे ले एग, ठीक है, वो लोग अंडे देते। सो दे आर ओवीपरस। नेक्स्ट देर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ मलयूस्का। अब हम लोग एक एक को देख लेते हैं क्या क्या स्पेशल फीचर है। सबसे पहले दे हैव एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज रेड्यूला। तो ये मलयूसका का स्पेशल फीचर है कि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूला। अब रेड्यूला क्या होता है, जैसे हम लोग के पास टंग होती है, हम लोग की जबान होती है, सेम तरीके से उनके पास भी होता है। सो रिबिन लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, सो दे इट इज टंग लाइक स्ट्रक्चर। हम लोगों के टंग का क्या फंक्शन होता है, टेस्ट करना, बट उनके टंग का फंक्शन टेस्ट करना नहीं होता है। वो दिखता टंग जैसा है फिजिकली, बट उसका फंक्शन क्या है, कटिंग और चीविंग। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वो लोग खाते
कैच करते हैं तो उसको कट करने के लिए और उसको च्यू करने के लिए वो लोग रेडुला यूज करते हैं. सो व्हाट इज रेडुला? बेसिकली इट इज अ टंग लाइक ऑर्गन विच हेल्प्स इन कटिंग एंड च्यूइंग. ओके, नेक्स्ट इज स्टैटोसिस्ट. अब स्टैटोसिस्ट क्या है? बेसिकली स्टैटोसिस्ट एक ऐसा ऑर्गेन है जो बैलेंस में हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑर्गेन. अब ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ऐसा होता है क्या बैलेंसिंग ऑर्गेन? थोड़ा सर्च करो और कमेंट करके मेरे को बताना कि ह्यूमन बींग्स में बैलेंसिंग ऑर्गेन कौन सा होता है. लेट्स सी. ओके, नाउ जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज ऑस्प्रेडियम. अब ऑस्प्रेडियम बेसिकली क्या है? ये जो है ना एक ऐसा ऑर्गेन है, जब भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी जाता है ना तो ऑस्प्रेडियम क्या करता है, उस पानी को ना डिटेक्ट करता है, टेस्ट करता है, और उसमें कुछ भी अगर फूड पार्टिकल होता है तो ऑर्गेनिज्म को बताता है. सो इट टेस्ट इनकमिंग वाटर, तो जो इनकमिंग वाटर होता है उसमें खाना है या नहीं, तो वो कौन सा ऑर्गेन हेल्प कर रहा है? ऑस्प्रेडियम. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज हैविंग मैंटल. दिस इज मैंटल, MANTLE, मैंटल. अब मैंटल क्या है? एक कोटिंग होती है इनके बॉडी के ऊपर. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस दैट मैंटल? इट इज एन आउटर लेयर जिसके अंदर से ना कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, CaCO3. अब CaCO3 क्या करता है? इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ हार्ड स्ट्रक्चर अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म. जैसा कि आपको मालूम रहेगा कि मलिस्का में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ हार्ड कवरिंग होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मैंटल एंड दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो दैट वॉज ऑल अबाउट मलिस्का. थैंक यू.